आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, हमें प्रश्न दिया गया है कि व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ कराने की अपेक्षा कक्षा कक्षी में भाषाई वातावरण बनाने पर अधिक बल दिया जाता है। हमारे पास यहाँ पे चार विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है दल शिक्षण विधि, दूसरा विकल्प है प्रत्यक्ष विधि, तीसरा विकल्प है दूरस्थ शिक्षण विधि, तीसरा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। हमें यहाँ पे बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो प्रत्यक्ष विधि द्वारा व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ कराने की अपेक्षा कक्षा कक्ष में भाषाई वातावरण बनाने पर अधिक बल दिया जाता है। कौन सी विधि द्वारा? तो प्रत्यक्ष विधि द्वारा। प्रत्यक्ष विधि क्या होता है? तो प्रत्यक्ष विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है, अर्थात भाषा के माध्यम से ही भाषा सिखाई जाती है। प्रत्यक्ष विधि क्या होता है? तो इसमें भाषा के माध्यम से ही भाषा सिखाई जाती है। यदि विकल्प में देखें तो हमारा पहला विकल्प है दल शिक्षण विधि, तो हमारा पहला विकल्प नहीं होगा। दूसरा विकल्प है प्रत्यक्ष विधि, तो हमारा जो दूसरा विकल्प है वो इसका सही उत्तर होगा। विकल्प तीसरा है दूरस्थ शिक्षण विधि, तो विकल्प तीसरा भी नहीं होगा। विकल्प चौथा है इनमें से कोई नहीं, तो हमारा विकल्प चौथा भी नहीं होगा। अतः केवल और केवल जो हमारा विकल्प दूसरा है वो इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।